बरुआ सागर के स्वर्गाश्रम झरना पर बबीना विधानसभा का पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा नेता यशपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी की बबीना में विधानसभा की मासिक बैठक आज बरुआ सागर के स्वर्ग आश्रम झरना पर आयोजित की गई। मासिक बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र कुशवाहा, पूर्व जिला सहकारी बैंक चेयरमैन एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता यशपाल सिंह यादव रहे। साथ ही जिला से सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में जिला से आए हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर कोई भी काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश की जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ लुभावने वादे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यों की प्रशंसा की एवं उनकी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 2022 में एकजुट होकर सरकार बनाने का काम करना है। सरकार हर फ्रंट पे फेल है। हम लोग बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की बात मैं नहीं करूँगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँगा। सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय पे रोजगार की है। प्रदेश में कम से कम नहीं तो अगर जितने भी सर्वे आए हैं अगर उनसे आंकड़ा लें तो 2 से 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या योजना है सरकार की? ऊपर से जो लेबर लॉ है उसमें ढिलाई बरतती कि कंपनी बिना नोटिस के किसी को निकाल सकती है, तो दूसरी मार है। तीसरी मार कि परमानेंट नौकरियां खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। सरकार में अब संविदा पे लोग रखे जाएंगे, तो ये 5 साल संविदा पे लोग रखे जाएंगे, ये नौजवानों के साथ अन्याय है। जो आदमी पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके जा रहा है उसे अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार दिलाना सरकार का काम है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और जब बहुत बड़ी नौजवान आबादी बेरोजगार होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते देश के लिए। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो जो आज परेशान हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है।